एनसीईआरटी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एनसीईआरटी पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और एनसीईआरटी अगर ना होती तो क्या होता? अभी ये पूरे क्वेश्चन के जवाब जो है, अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो सारे आंसर्स उसके आपको मिल जाएंगे। सो लेट स्टार्ट दी वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम वैष्णवी एंड यू आर वॉचिंग यूपीएससी विथ वैष्णवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आगे ऐसे कई सारे हेल्पफुल कंटेंट आने वाले हैं जो आपको अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी के रिलेटेड आगे लिखा क्या है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट डेवलप्स एंड पब्लिशेस टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल जो है पब्लिश करता है। द एनसीईआरटी बुक्स आर वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन including the Union Public Service Commission exams. Here are some reasons why NCERT is important for UPSC aspirants. अभी हम देखते हैं कि जो NCERT है वो widely regarded है foundation से, कि आपका जो basic है वो clear हो जाए उसके लिए NCERT को publish किया जाता है। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि उनका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग बन सके, इंक्लूडिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स आल्सो। नाउ देखते हैं रीजंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का अदर सोशल मीडिया ऐप जो है वो ओपन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आंसर करेंगे। आपकी कोई भी जो भी डाउट होगा किसी भी तरीके का, हम लोग उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे कई सारे ऐसे रील्स एंड पोस्ट स्टोरीज आते हैं जो कि आपको इंस्पायर करेगी। अभी देखते हैं फर्स्ट रीज़न है जो है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस। दे सर्व एज अ सॉलिड बेस फॉर बिल्डिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। अभी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में क्या होता है कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोवाइड करती है हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट पे। जैसे कि हिस्ट्री है तो उसका एकदम बेसिक होगा कि हिस्ट्री मतलब पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे डायनेस्टीज थे, वो लोग कैसे रूल करते थे, किंग, वो सब के बारे में आपको एकदम बेसिक नॉलेज देंगे। और एनसीईआरटी बुक्स कुछ ऐसी होती है, इतनी सिंपल और क्लियर वे में लिखी होती है कि आपको रीड करते ही पता चल जाता है कि ये लाइन में या फिर ये सेंटेंस में कहना क्या जाता है राइटर। तो उससे आपको पता चल जाता है कि एनसीईआरटी में जो है आपका बेस एकदम स्ट्रांग होता है। देखिए वही पॉइंट जो है, वही रीजन यहाँ पे भी लिखा है कि एनसीईआरटी आपको क्यों पढ़ना चाहिए। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। एनसीईआरटी बुक्स आर नोन फॉर देयर क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, मेकिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इजियर टू ग्रेस्प। अभी क्या होता है कि एनसीईआरटी फेमस इसीलिए कि क्योंकि उसके अंदर सब कुछ क्लियर और सिंपल वे में लिखा रहता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इजी वे में वो बनाकर उसमें लिखता है ताकि हमें एकदम आसानी से समझ में आ जाए। दे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ कॉन्साइज मैनर, एकदम इजी वे में लिखता है जिस तरीके से हमें समझ आ जाए, जो कि हम लोग के यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि जो लिमिटेड टाइम उनको मिला होता है उसके अंदर वास्ट सिलेबस जो है वो कवर कर पाए। नाउ अदर वन रीज़न इज़ द कॉन्टेंट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स इज प्रिपेयर्ड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस एजुकेटर्स। अभी ये जो एनसीईआरटी बुक्स होती है वो पब्लिश की जाती है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा आदमी जो है एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर है, तो वही सब्जेक्ट वो आदमी जो है वो पकड़ता है और उसे फिर पब्लिश करता है। वो एक्सपर्ट्स और जो एजुकेटर्स होते हैं, एक्सपीरियंस एजुकेटर्स, वो लोग वेल रिसर्च होते हैं, अच्छी तरीके से पहले रिसर्च करते हैं, देन वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं ताकि जो भी अपडेट है उसके रिलेटेड वो बुक में, उसकी टेक्स्ट बुक में जो है पब्लिश कर सके उसी तरीके का। यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो रिक्वायर करता है फैक्ट
फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एकदम फैक्ट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एनसीईआरटी बुक्स जो है एकदम रिलायबल है, भरोसेमंद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स के लिए, ताकि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अभी नाउ दूसरा रीजन क्या है, यूपीएससी सिलेबस अलाइनमेंट। द यूपीएससी सिलेबस फॉर वेरियस एग्जाम्स इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम इज वाश एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। सीएससी के लिए आपको पता है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स भी होते हैं। मैनी टॉपिक्स जो है वो यूपीएससी सिलेबस में भी मेंशन है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी बुक्स में जो है वो कवर होते ही है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एस्पिरेंट्स के अंदर ये चीज़ जो है आ जाती है कि अगर पेपर में कोई भी तरीके का क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक में, उसके रिलेटेड कुछ भी लिखा हो तो आप उसे जो है याद करके और उसके रिलेटेड जो भी वहाँ पे अच्छा आंसर आपको लगता हो आप उसे वहाँ पर लिख सके। तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो टॉपिक जो होता है वो मेंशन किया ही होता है। एस्पिरेंट्स कैन एंश्योर दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द टॉपिक्स मेंशन इन द सिलेबस। तो उनको पता चलता है कि जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी क्वेश्चन आया है प्री या फिर मेंस के पेपर में, तो उनको पता चलता है कि हाँ उनका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग था और उसके रिलेटेड आप जो है पेपर में जो आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगता हो उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी सूटेबल हो वो आप उसे लिख सकते हैं। नाउ दूसरा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ जो है यूपीएससी भी मांगती है आपसे। यूपीएससी एग्जाम्स रिक्वायर अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स रैदर दैन जस्ट रोट मेमोराइजेशन। आपके हर सब्जेक्ट में वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगती है। एनसीईआरटी बुक्स जो है वो फोकस करती है कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बिल्ड कर सके और आपके एनालिटिकल जो भी स्किल है उसे डेवलप कर सके और क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल होती है वो आपका डेवलप कर सके। दिस इज़ क्रूशियल फॉर टैकलिंग द यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चंस विच ऑफन रिक्वायर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके, तो आपको जैसा मैंने पहले वीडियो में बताए थे जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट भी उसका बना के रखा है, अगर आपने वो क्वालिटीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए जिससे वो यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, तो उस वीडियो का उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि ऐसे कौन से 5 टिप्स है या फिर कौन से 5 क्वालिटीज़ हैं जिससे आप जो है यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। नाउ दूसरा रीज़न है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। द यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ नोन फॉर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड द वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस इट कैन आस्क। By thoroughly studying NCERT books, aspirant can develop a strong base of knowledge and concepts that can be applied to answer diverse and unexpected question in the exam. जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। अभी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है कि NCERT तो पढ़ना ज़रूरी ही है, वो इम्पॉर्टेंट है ही, जिससे आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो सके। बट उसके साथ साथ UPSC aspirant के लिए ये चीज़ भी क्रूशियल है। उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है और रेफरेंस एडिशनल बुक रेफरेंस बुक्स जो होती है उसे भी पढ़ना है। देन आपके यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड जो अदर बुक्स है, अदर रेलेवेंट स्टडी मटेरियल्स है, उसे भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी जो है हमारे लिए क्यों इतना बेनिफिट है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर आपको अभी तक मिल चुका होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे जिससे आप उसे देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड या फिर अदर वीडियो के रिलेटेड, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।